भगवान, मेरा प्रश्न ये है, एक प्रश्न उठा था, आखिर हमारे स्कूल शिक्षित क्यों नहीं करते। एक लेख जो अगस्त सन 2016 में जब आचार्य श्री यहाँ थे, दैनिक भास्कर में छपा था, उसमें प्रतिष्ठित अमेरिकी टीचर जिनको न्यूयॉर्क सिटी टीचर ऑफ ईयर चुना गया था, उन्होंने प्रश्न उठाया था। उनका कथन था कि कोई अब इस बात पर भरोसा नहीं करता कि साइंस की क्लास में वैज्ञानिक, सिविक्स की क्लास में राजनीतिज्ञ और साहित्य की क्लास में कवि बन रहे हैं। उनके अनुसार आज हमारे दो संस्थान, पहला टीवी और दूसरा स्कूलिंग, हमारे बच्चों की जिंदगी को चला रहे हैं, परंतु दोनों ने ही बुद्धि, साहस, संयम और न्याय आधारित दुनिया को सीमित करके रख दिया है। गुरुदेव, इस दृष्टिकोण पर आपका समाधान निवेदित है। देखिए, जिस बात का आपने उल्लेख किया बिल्कुल सही है। आज जिस तरह से मीडिया हम सब पर हावी हो रहा है और स्कूलिंग की जो प्रणाली है उसने हमारी बुद्धि को, साहस को, हमारी समझ को बुरी तरह प्रभावित किया है, इसमें कोई संशय नहीं। परिणाम सबके सामने है, इसलिए हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। शिक्षा का मूल स्वरूप ही बदल गया, शिक्षा की अवधारणा बदल गई। शिक्षा का मतलब कुछ कुल ये हो गया कि पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ लेना, रट लेना, काम खत्म। जबकि शिक्षा का मतलब है सीख, जिससे मनुष्य के जीवन में ज्ञान, विज्ञान और कला गुणों का विकास हो, वो शिक्षा है जो आज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। कई लोग हैं जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं पर व्यवहारिक रूप में बड़े कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनने व्यवहारिक जीवन का कोई अनुभव ही नहीं पाया। तो हमें इन बातों पर बहुत विचार करना चाहिए। प्रायः शिक्षा से संदर्भित सवाल इस मंच पर उठते रहते हैं और अक्सर मैं कहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए और हमें अपनी भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उस पर समयानुरूप परिवर्तन करके उसे पुनर्प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम देश की दुर्वस्था को ठीक कर पाए।